हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एरोमेटिक कंपाउंड्स, जिसमें हमने लास्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे थे किसके बारे में, यस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में। तो आइए आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, जो कि जेई या नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, पीएच N2 प्लस सीएल माइनस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक, बात समझ में आ रहा है। तो क्या हम लोग देखे थे कुछ मुख्य बातें कि बेंजीन डाइजोनियम, ठीक है, क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, will act as इलेक्ट्रोफाइल। याद है लास्ट वाला क्वेश्चन याद है, इलेक्ट्रोफाइल जो हम बता रहे थे, लास्ट वाला कॉन्सेप्ट जो बता रहे थे। लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल कैसा होगा, पुअर, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल कैसा होगा, पुअर। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किस तरह से एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ठीक है, पुअर इलेक्ट्रोफाइल की तरह। एंड एंड अटैक ऑन स्ट्रॉन्ग, ठीक है, अटैक ऑन स्ट्रॉन्ग, या फिर ऐसा लिख सकते हैं अटैक ऑन एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग, ठीक है, एंड एंड गिब्स क्या, किस तरीके का रिएक्शन देगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, EASB लिख दिया हम, AR लिख दिया ताकि आपको समझ में आए, एरोमेटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। बात समझ में आया, ठीक है, किस तरीके से हो रहा है वो चीज समझना है, क्लियर है ना। अब समझना है कि आखिर किस तरीके से हो रहा है, ये चीज तो हम लोग देखे थे, ठीक, क्या है भाई ये अपना, क्या था नाइट, ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कैसा था, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, या डबल बॉन्ड हम लोग बना देते हैं, और यहाँ पे क्या आ गया था पॉजिटिव, और ये सीएल माइनस, ये क्या था, हम लोग किसका देख रहे थे, ये इनटू जो सीएल प्लस था बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, उसी का ये क्या था भाई, हाँ उसी का ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो दूसरा वाला भी आपके सामने बना देते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, यहाँ पे लोन पेयर है और ये क्या कर सकता है इसको, यस कोऑर्डिनेट, इसी के कारण इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो होता है वो काफी कम होता है। बात समझ में आया, क्योंकि ये लोन पेयर इसको क्या कर सकता है, ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, इसी के कारण जो है इस वाले का जो रहेगा इलेक्ट्रोफिलिसिटी काफी कम रहेगा। और तो यदि ये ऐसा कर देता है तो क्या बन जाएगा, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, और यहाँ पे पॉजिटिव, और ये पूरे पे क्या आ जाएगा, सीएल माइनस। बात समझ में आ रहा है, तो ये किस तरीके से एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, कैसा है, वीक इलेक्ट्रोफाइल के लिए तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई वैसा बेंजीन रिंग के साथ अटैक करवाएंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, क्या लगा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तभी तो वो क्या कहलाएगा, एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग, क्या कहलाएगा, एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा हुआ, क्लियर है, बात समझ में आया। अब इसके साथ जो अटैक होगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये वाला जो इसका इलेक्ट्रोफाइल का जो पार्ट है वो कहां पे अटैक करेगा, ये वाला पार्ट कहां पे अटैक करेगा, पैरा पोजीशन पे, ठीक है, कहां पे अटैक करेगा, ये वाले पार्ट पे, और जिससे प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये रहा आपका बेंजीन रिंग, साथ ही साथ ये रहेगा एन डबल बॉन्ड एन, और ये फिर क्या आ जाएगा, बेंजीन रिंग। आ रहा बात समझ में, क्लियर है। इसी चीज को हम लोग, चूंकि ये नाइट्रोजन और कार्बन आपस में जुड़े, तो इसी चीज को हम लोग CN कपलिंग भी कहते हैं, कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग, क्या बोलेंगे हम लोग इसी चीज को, CN कपलिंग, क्या बोलेंगे, CN कपलिंग। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए, और काफी स्ट्रांग वाला, कम वाले से काम नहीं चलेगा, काफी स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए। क्यों स्ट्रांग वाला चाहिए, कम वाला क्यों नहीं चलेगा,
क्योंकि यहाँ पे जो खुद है, यहाँ पे खुद जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का ये वाला जो पार्ट है, इलेक्ट्रोफाइल है, वो काफी वीक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी काफी कम है, तो अटैक काफी अच्छे से ये नहीं कर पाता, तो नहीं कर पाता है। तो कहने का मतलब है कि ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट करके इसके पॉजिटिव को खत्म कर रहा। तो यहाँ पे हमको वैसा चाहिए बेंजीन रिंग जो कि काफी ज्यादा एक्टिवेटेड हो, काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे भरा पड़ा हो, तभी जा करके ये रिएक्शन यहाँ पे दे पाएगा। आ रहा बात समझ में? यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कोई लगा हुआ भी है, ठीक है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है बेंजीन रिंग को, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ा रहा है बेंजीन रिंग को, तब इस कंडीशन में ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाएगा। ये चीज भी ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोफाइल, पुअर इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। बात समझ में आया? अब ये चीज तो आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है, पर यहाँ पे चूंकि ये नाइट्रोजन का इस कार्बन के साथ कपलिंग हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको सीएन कपलिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीएन कपलिंग भी कहते हैं। क्लियर है? इतना चीज आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से चल रहा है? नोट करें और बताते हैं इसके बारे में, मिटा दें। ठीक, ये चीज तो हम लोग पहले देख चुके थे, ठीक है, पिछले क्लास में। अब ठीक है, अब ध्यान में रखना है कि जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है वो किसके किसके साथ कपल करेगा, ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप लिखे थे उसमें किसके किसके साथ ये कपल करेगा। ठीक, तो हम लिख देते हैं इट कपल विथ किसके साथ, एनिलीन एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है, एनिलीन एंड इट्स डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि एनिलीन के साथ हम करवाते हैं, ये आपका क्या है, NH2, यही तो है एनिलीन, क्या है, एनिलीन है ना। अब इसके जगह चूंकि इसका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग प्लस एम, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग प्लस एम, वो भी क्या होता है, एकदम स्ट्रॉन्ग वाला, ठीक है। अब यहां पे यदि हम NHR ले तो इसके साथ भी ये क्या करेगा, कपल करेगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा। क्यों? क्योंकि ये तो इधर से भी क्या करेगा, प्लस ही आपको बढ़ाते हुए मिलेगा, ये एन, ठीक है, और ये आर और ये आर, ऐसा भी यदि मिलता है तो ये कपल कर रहा है। बात समझ में आया? तो इट कपल विथ बेंजीन डेरिवेटिव, ऐसा लिख दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि और भी अभी बताना है, ठीक है। इट कपल विथ बेंजीन डेरिवेटिव, ठीक है, बेंजीन डेरिवेटिव, तो बेंजीन डेरिवेटिव में ये तो आ गए, ठीक है, साथ ही साथ और देखेंगे, और देखेंगे कौन कौन सा, और यदि हम चाहें तो यहाँ पे हम OH फेनॉल वाला, फेनॉल, एक फेनॉल हो गया, उसके बाद जान रहे हैं क्या, यदि हम यहां लगा दें OH, क्या कहलाएगा, अल्फा नेप्थॉल, अल्फा नेप्थॉल, और ये क्या कहलाएगा, बीटा नेप्थॉल, ठीक है, ये अल्फा नेप्थॉल, ये हो गया आपका फेनॉल। बात समझ में आया? एनिलीन, एन सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, एन एन डाई सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है? तो ये इन्हीं के साथ जो है वो कपल करेगा, क्योंकि ये क्या देंगे, स्ट्रॉन्ग प्लस एम, क्या देने वाले हैं, ये स्ट्रॉन्ग प्लस एम, तभी जाकर के इसके साथ ये कपल करेगा। इट कपल विथ बेंजीन डेरिवेटिव्स, ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं एनिलीन एंड इट्स डेरिवेटिव, एनिलीन एंड फेनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव, लेकिन रहने दीजिए, इतना ही आपके लिए सफिशियंट है, आपको समझ में आएगा कि किसके साथ ये हो रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसमें आपका ये आएगा। अब ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये किसके साथ कपल नहीं करेगा, ठीक है, किसके साथ कपल नहीं करेगा, ध्यान से देखेंगे, मिटा दे इसको। ठीक, तो ध्यान में आया, एनिलीन एक हो गया, ठीक है, और एनिलीन के साथ साथ कौन सा हो जाएगा, एनिलीन के साथ साथ जो फेनॉल, और फेनॉल के साथ कुछ डेरिवेटिव फेनॉल के ही, अल्फा नेप्थॉल और बीटा नेप्थॉल, ठीक है। इट विल नॉट कपल विथ, ठीक है,
किसके साथ भाई कपल नहीं करेगा? विद द फॉलोइंग, फॉलोइंग किसके साथ कपल नहीं करेगा भाई? तो ध्यान से, एक तो बेंजीन के साथ ये रिएक्शन नहीं देगा, बेंजीन के साथ नहीं देता है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो लगा होना चाहिए। ठीक, अब यदि हम इसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे, NO2 लगा दे, ठीक है, क्या लगा दे, CHO लगा दे, COOH लगा दे, ठीक है, या कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे, तब ये रिएक्शन नहीं देगा इसके साथ। समझ में आ रहा है, क्लियर है? इसके जगह यदि हम बेंजीन के जगह इस्तेमाल कर ले OME, अब बोलेंगे सर ये तो देता है प्लस एम है, ये क्यों नहीं होगा? ध्यान में रखना है OME तो प्लस एम देता है, लेकिन एज कंपेयर्ड टू ये पीएच एन टू सी एल, ठीक है, यदि हम इसका कंपेरिजन इसके साथ करें तो ये काफी पुअर इलेक्ट्रोफाइल है, काफी पुअर इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये वाला जो अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में चाहिए, यानी यहां जो प्लस एम चाहिए बहुत स्ट्रांग वाला चाहिए, बात समझ में आया? तो ये इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाता है कि ये इसके साथ आके रिएक्ट कर पाए, क्लियर है? ये इतना ज्यादा क्या, ये इतना ज्यादा, यस, ये इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें रीच नहीं हो पाता, इतना ज्यादा ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में नहीं बढ़ पाता है कि ये आकर के इसके साथ अटैक कर पाए, एक ये, ठीक। इसके साथ, इसके साथ यदि आ जाए आपका टॉलिन सी एच थ्री या फिर आर, इसके जगह कोई भी आर रहे तो भी ये इसके साथ क्या नहीं होगा, ध्यान में आएगा क्या चल रहा है ये, ठीक है, नोट करें, ठीक है। अब थोड़ा सा और विस्तार रूप से हम लोग सी एन कपलिंग को देखने जा रहे हैं। ध्यान में रखना है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ तो देता है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, एकदम स्ट्रॉन्ग वाला, जो हम आपको लिख करके दिए, एनिलीन, एनिलीन डेरिवेटिव जो हो गया, साथ ही साथ आपका फेनॉल और अल्फा फेनॉल और बीटा, सॉरी नेप्थॉल और अल्फा नेप्थॉल एंड बीटा नेप्थॉल, आ रहा बात समझ में? अब इसमें हम थोड़ा सा और देखते हैं, जो क्या देखने वाले हैं आप, हम यहाँ पे सी एन कपलिंग, सी एन कपलिंग तो क्या है भाई, सी एन कपलिंग तो यहाँ पे हम रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, फेनॉल के साथ, ये अपना फेनॉल और साथ ही साथ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, तो ये रहा प्लस, ये रहा आपका ये एन, डबल बॉन्ड एन यहाँ पे पॉजिटिव, इसी के साथ अटैक होता है, तो यही करवा दे रहे हैं, और साथ ही साथ क्या रहेगा, सी एल माइनस, ऐसा कुछ, ठीक। और यहाँ पे जो हम मीडियम ले रहे हैं, ठीक है, मीडियम जो हम ले रहे हैं वो अपना हम थोड़ा सा बेसिक मीडियम ले रहे हैं, यानी कि पी एच जो है वो हम ले रहे हैं 10 से 12 का, ठीक है, पीएच क्या ले रहे हैं 10 से 12 का, या 10 टू 11 भी मान करके चलते हैं, 10 टू 11 ऐसा लिख देते हैं हम, ठीक है। तो ये पीएच क्या हो जाएगा, ये माइल्ड बेसिक हो जाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा, माइल्ड बेसिक, बेसिक, माइल्ड बेसिक का जरूरत क्यों पड़ा, क्यों हम माइल्ड बेसिक ले रहे हैं, बहुत ज्यादा बेसिक क्यों नहीं लेंगे, वो सब तो हम बताएंगे, लेकिन अभी माइल्ड बेसिक। और जिससे प्रोडक्ट जो आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका ये बेंजीन रिंग, ठीक है, और ये एक सी एन कपलिंग, तो यहाँ आएगा एन, ठीक है, डबल बॉन्ड एन, और ये आपका बेंजीन रिंग, कुछ इस प्रकार से, थोड़ा सा जगह को ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको, क्या ये आएगा आपका बेंजीन रिंग, और ये ओ एच, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ओ एच, और ये N डबल बॉन्ड N, और ये ऐसा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? और ये ऑरेंज डाई होगा, ऑरेंज डाई, ऑरेंज कलर का बनता है, बात समझ में आ रहा है किस तरीके से? अब क्या इसका पूरा मैकेनिज्म है वो हम देखते हैं, ठीक है, क्या पीएच, क्यों पीएच लेना पड़ गया, क्या हो गया, ठीक है, देखेंगे पूरा मैकेनिज्म, मैकेनिज्म क्या हो रहा है। तो सबसे पहले ये जो फेनॉल है, ध्यान से, सबसे पहले ये जो फेनॉल है इसका रिएक्शन, क्योंकि हम मीडियम क्या लिए, बेसिक मीडियम, माइल्ड बेसिक, पीएच क्या लिए हम लोग, 10 टू 11 या 10 टू 12 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, माइल्ड बेसिक हम लोग ले लिए हैं, तो इसमें रिएक्शन सबसे पहले किसके साथ होगा, ओ एच माइनस के साथ, और ओ एच माइनस जो है यहाँ पे रिएक्ट करेगा ये वाला एसिडिक एच के साथ, ठीक है, और एसिडिक एच लेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन, क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन, ठीक, जिससे बाहर क्या निकल जाएगा, पानी, और पानी बाहर निकलने के बाद ये आपका बन गया फेनोक्साइड आयन, फेनोक्साइड आयन, और ये काफी ज्यादा एक्टिवेटेड होता है, बहुत ज्यादा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ओएच वाले ग्रुप में क्या शो करेगा, ओएच वाले ग्रुप में ये शो करेगा ओएच का माइनस आई,
कम होता है एज कंपेयर टू इसका प्लस एम, ठीक है, माइनस आई भी शो करता है और प्लस एम क्या हो जाएगा इसका बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ पे इसका क्या हो जाता है, ओ पे जब माइनस आता है तो स्ट्रॉन्ग इसका प्लस आई और साथ ही साथ क्या हो जाता है इसका प्लस एम, ये वाला फैक्टर काम आता है और बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर के तौर पे काम करता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन रिच कर देता है बेंजीन रिंग को, ठीक है। अब एक्टिवेट हो गया चूंकि ये तो क्या है वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह है, पुअर इलेक्ट्रोफाइल की तरह है, तो हम अपना तो डिमांड ही था कि यहाँ पे जो ग्रुप मिले वो इलेक्ट्रॉन कौन सा रहे, यस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिला हुआ रहे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिले, OH भी है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे क्या लिए पीएच क्या लिए बेसिक मीडियम थोड़ा सा लिए, एसिड बेस रिएक्शन हो गया, तुरंत क्या बन गया फेनोक्साइड आयन, जी हाँ क्या बन गया फेनोक्साइड आयन। इसका यदि हम थोड़ा सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा, तो ये कहाँ जाएगा यहाँ और ये वाला यहाँ, ठीक है, जिससे ये क्या बन जाएगा ओ डबल बॉन्ड ये इस प्रकार से, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा ये निगेटिव चार्ज यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, अब फिर से ये वाला पार्ट यहाँ, ठीक, और जिससे क्या बन जाएगा जिससे ये इस तरीके से, ठीक है, निगेटिव यहाँ, ये यहाँ, ये डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, अब फिर क्या हो जाएगा ये, फिर ये वाला पार्ट यहाँ, और जिससे आपको क्या नजर आएगा ये निगेटिव, ये डबल बॉन्ड ओ और फिर से ये ऐसा, क्लियर, और फिर आगे जाएंगे तो आपको सेम वाला पार्ट देखने को मिलेगा। बात समझ में आया किस तरीके से हो रहा है, और ये फेनोक्साइड आयन क्या हो जाएगा एकदम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग हम कह सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग यहां पे होगा, क्या होगा इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग। अब ध्यान से समझना है, अब क्या होगा कि अगला स्टेप जो हम लिख रहे हैं वो हम यहां लिख रहे हैं, ये अपना क्या है फेनोक्साइड आयन ओपन निगेटिव और साथ ही साथ क्या है ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, नजर आ रहा है ना क्या है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ये रहेगा N और इस पे प्लस और ये क्या रहेगा Cl माइनस। अब क्या हो गया ध्यान से, ये वाला टूट करके आएगा यहाँ और ये वाला आएगा यहाँ जिसपे यहाँ पे क्या जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, जैसे ही ये वाला पार्ट आएगा यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड और फिर से अब यहाँ पे निगेटिव, अगला वाला स्टेप क्या था, अगला वाला स्टेप ये वाला टूट करके यहाँ आया, पहला स्टेप यहाँ से यहाँ बनेगा और फिर यहाँ से यहाँ निगेटिव जैसे ही यहाँ आएगा, यानी इसी में एक पार्ट हम निगेटिव जैसे ही यहाँ पे आएगा तैसे ही ये वाला पॉजिटिव का अटैक कहाँ हो जाएगा इस पैरा पोजीशन पे। अच्छा पैरा पोजीशन पे क्यों हुआ, यही क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला जो अपना पार्ट है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का जो पार्ट है काफी बल्की है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये क्या हो जाएगा आपका बल्की इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है, बल्की इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव है, इसी के कारण वो कहाँ पे जा रहा है पैरा पर, ठीक, और जिसके कारण जो आपको यहाँ पे मिलेगा क्या मिलेगा यहाँ तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, क्या मिल जाएगा ये हम ऐसा लिख देते हैं ये इस प्रकार से, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड ओ, ठीक, ये आ जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा यहाँ और फिर आ जाएगा एन, ठीक है, डबल बॉन्ड एन, ठीक, और ये आपका आएगा बेंजीन रिंग, ठीक है, थोड़ा सा जगह का जरूरत है तो क्या करेंगे ऊपर हम लोग शिफ्ट करते हैं, ठीक है, मिटा दें, ओके। क्लियर, ये वाला अपना बन गया है। अब उसके बाद ध्यान से देखेंगे ये अपना एरोमेटिक जो कैरेक्टर है वो क्या कर दिया है लूज कर दिया है, तो हम उसको दोबारा वापस लाने के लिए, ठीक है, दोबारा वापस लाने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करेंगे, ठीक है, ये ऐसा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका रिएक्शन थोड़ा सा, ठीक है, स्लाइटली यदि हम क्या करें एसिड के साथ करवा दें, ठीक है, एसिड के साथ, यानी कि ये वाला आपका क्या हो जाएगा H, अच्छा यहाँ पे अपना क्या था Cl भी था ना, कहाँ गया अभी यहाँ पे ये वाला पार्ट में ये Cl, ठीक है, तो रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे आपका एक H बचा होगा, क्या बचा होगा H बचा होगा, समझ में आ रहा है क्या। अब ध्यान से जरा सा देखेंगे कि यहाँ पे अपने पास क्या है ये H बचा है अभी, ठीक, ये तो निगेटिव बना था ना आकर के, यहाँ पे तो नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव, तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो है ही एक, ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे हाइड्रोजन होगा तो वो वाले Cl के साथ, ठीक है, वो वाले Cl के साथ, Cl माइनस के साथ, जो यहाँ पे ये Cl माइनस था उसके साथ ये वाला पार्ट क्या हो गया बाहर निकल करके बाहर, यानी माइनस क्या हो जाएगा HCl, और माइनस HCl होने के बाद H प्लस निकला तो यहाँ क्या जाएगा निगेटिव, यानी कि ये डबल O और ये कुछ ऐसा,
ठीक है, ये ऐसा ऐसा और ये फिर नेगेटिव, और यहां पे क्या आ जाएगा, एन डबल बॉन्ड एन, और ये कुछ इस तरीके से। अब क्या हो जाएगा, ये फिर से आ जाएगा, ये यहां, ठीक है, और ये यहां, ठीक, और इससे क्या हो जाएगा, ये अपना फिर से एरोमेटिक जो है उसको गेन कर लेगा, ठीक, गेन कर लेगा, यानी ये क्या हो जाएगा, ऐसा ऐसा और ऐसा, ये एन डबल बॉन्ड एन, और ये बेंजीन रिंग, ठीक। अब यहां से क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसको H प्लस खिला देंगे, ठीक है, सॉल्वेंट से, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इसको एच ओ एच, जहां से ये इसको मिल जाएगा, और क्या बन जाएगा, ओ एच, ये बेंजीन रिंग एन डबल बॉन्ड एन, और ये, ठीक है, और इसको कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी, क्या, यस, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ठीक है। और ये कैसा होता है, ऑरेंज कलर का, डाई होता है। बात समझ में आया, तो यहां पे अपने को क्या देखने को मिला, सी एन कपलिंग, क्या देखने को मिला, सी एन कपलिंग। बात समझ में आ रहा, नोट करें, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि ये तो हम लोग क्या लिए थे, मीडियम क्या लिए थे, बेसिक मीडियम ले लिए थे, कैसा लिए थे, बेसिक मीडियम अल्कलाइन। यदि हम इसी को क्या करें, थोड़ा सा एसिडिक मीडियम ले ले, ठीक है, तो जैसे कि क्या हम करेंगे कि इफ वी टू स्ट्रॉन्ग बेसिक, ठीक है, क्या लिखते हैं, इफ वी टू स्ट्रॉन्ग, अभी तो क्या लिए थे, माइल्ड ना, स्ट्रॉन्ग बेसिक और अल्कलाइन मीडियम, मीडियम, ठीक है, देन तब क्या होगा, ध्यान से देखना, तब क्या होगा, तब ये जो है अपना, ये क्या हो जाएगा अपना, जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो था, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम एन, ठीक है, और डबल बॉन्ड एन, और यहां पे क्या था, प्लस था ना। अब यहां पे क्या होगा कि जो ओएच जो है, जो हम लोग माइल्ड लिए थे, वो किस पे अटैक किया था, वो फेनॉल पे अटैक किया था, लेकिन काफी ज्यादा यदि हम बेसिक ले लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे, तो वो उसका अटैक इस पे भी हो जाएगा, हालांकि ये वीक है, इसीलिए स्टार्टिंग में वो इस पे अटैक नहीं किया, लेकिन जैसे ही हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग ले लेंगे, समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा यदि हम स्ट्रांग ले लेंगे, तो वो किस पे अटैक कर देगा, इस पे भी अटैक कर देगा, यानी कि ओ एच माइनस का अटैक एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे भी हो जाएगा, और जिससे क्या बन जाएगा, जिससे बनेगा एन, ठीक है, डबल बॉन्ड एन, और ये बन जाएगा ओ एच। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से चल रहा है ये, क्लियर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो अपना इलेक्ट्रोफाइल था, जो अपना इलेक्ट्रोफाइल था, वो कंप्लीटली क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, इसलिए फिर आगे का रिएक्शन उस तरीके से प्रोसीड नहीं करेगा। तो यहां हम क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं, यहां हम लिख सकते हैं कि ये तो अल्कली मीडियम लिए ना, देन देन वी लॉस्ट इलेक्ट्रोफाइल, आवर इलेक्ट्रो फाइल, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल था वो क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। बात समझ में आ रहा है क्या, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज था। आगे देखते हैं इसमें और थोड़ा सा, ठीक है, और यदि हम थोड़ा सा और इसमें हम करना चाहें ना, तो ये तो बेसिक है, अब यदि हम और चाहें तो यहाँ पे ओएच माइनस का अटैक फिर से करवा सकते हैं, कहाँ पे करवा सकते हैं, तो ये वाला, क्यों, क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो एसिड बेस रिएक्शन होगा, एसिड बेस रिएक्शन, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस पानी, और जिससे क्या बन जाएगा, जिससे सॉल्युबल सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है, जिससे सॉल्युबल सॉल्ट बन जाएगा, सॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ में आया, तो ये भी कर सकते हैं, यानी फाइनली मेरे कहने का मतलब है कि जो अपना इलेक्ट्रोफाइल था वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं किसके साथ रिएक्शन, जो अपना अल्फा नेप्थॉल है, किसके साथ देख लिए, एल्कोहल के साथ, सॉरी फेनॉल के साथ देख लिए, अब अल्फा नेप्थॉल के साथ देखते हैं, ठीक है, रिएक्शन विथ, या सबसे पहले देख लेते हैं बीटा नेप्थॉल, ठीक है,
ध्यान से देखेंगे, रिएक्शन विद बीटा नेप्थॉल। ध्यान से, होगा क्या कि यही है अपना बीटा नेप्थॉल। ठीक है, तो बीटा नेप्थॉल का जो रिएक्शन होगा किसके साथ करवाएंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यानी कि पीएच। ठीक है, पीएच N2, N2 प्लस और सीएल माइनस, यही है। और क्या लेंगे, माइल्ड माइल्ड बेसिक मीडियम, माइल्ड बेसिक मीडियम लेंगे। और माइल्ड बेसिक मीडियम के साथ यहां पे जो अटैक होगा ना इसका, वो कहां पे होगा, अल्फा पोजीशन पे। ये अल्फा और ये बीटा, इसलिए इसको क्या बोला गया, बीटा नेप्थॉल, बीटा नेप्थॉल। ठीक, तो अटैक इसका पता है कहां पे होगा, इसका अटैक इस वाले पोजीशन पे होता है। ठीक, और प्रोडक्ट जो आएगा वो इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे आपका ओ एच जैसा का तैसा रहेगा, यहाँ पे आएगा एन डबल बॉन्ड एन, सी एन कपलिंग है भाई, कौन सा कपलिंग है, सी एन कपलिंग है, और ये यहाँ पे बेंजीन रिंग। क्यों, आखिर क्यों हम वहां करवा रहे हैं, ठीक है, आखिर क्या जरूरत पड़ी वहां करवाने की, तो समझेंगे। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, यदि हम अटैक यहाँ पे करवाए ना तो सबसे ज्यादा स्टेबल कैटायन बनता है। कैसे, देखे जरा सा, यदि हम इसको ऐसे लें, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और यहाँ पे क्या है, ओ एच, यहाँ पे क्या है, ओ एच। ठीक, अब अटैक किसका अटैक, ये वाला पार्ट है, तो ये वाला टूट करके कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ये वाला टूट करके कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे आएगा तभी तो ये पीएच और N2 प्लस और ये सी एल माइनस जो हम लोग लिखे हैं, ठीक है, तो इसका अटैक कहाँ हो पाएगा, यहाँ हो पाएगा इस वाले पोजिशन पे। उस कंडीशन में आपके सामने क्या आएगा भाई, तो ये आएगा, देखे ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आएगा एन डबल बॉन्ड एन, ठीक है, और ये इस प्रकार से बेंजीन रिंग, और ये ऐसे, और यहाँ पे क्या रहेगा, ओ एच, और यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, हाइड्रोजन तो रहेगा ही पहले से, हाइड्रोजन दे दिए, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज इसके यहां से क्या होगा, यहां से रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज, ठीक है, इसका क्या लगेगा, प्लस एम स्टेबलाइज, और यहां से इसका क्या होगा, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, इस लोन पेयर के कारण क्या होगा, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज, तो बहुत ही ज्यादा स्टेबल कार्बोकोटाइन बनेगा। एक तरह से कह सकते हैं कि मोर स्टेबल या मोस्ट स्टेबल इन सारे केसेस में क्या बनेगा, कार्बोकोटाइन बनेगा, मोर स्टेबल कार्बोकोटाइन फॉर्म्ड, मोर स्टेबल सी प्लस फॉर्म्ड। बात समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए जो है इसका अटैक हम लोग यहाँ पे करवाते हैं, ताकि जो कार्बोकैटायन बने वो बहुत ज्यादा स्टेबल बने। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम, ठीक है, तो आप क्या आंसर लिख करके आएंगे, ये वाला आंसर क्या बनेगा, ये, ठीक है। और इसका जो कलर रहता है, ठीक है, इसका कलर स्कारलेट रेड कलर होता है, ठीक है, सिंदूरी लाल, बात समझ में आ रहा है, सिंदूर का जो रेडनेस रहता है वैसा इसका कलर आपको देखने को मिलेगा, एकदम लाल रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ बीटा नेप्थॉल के साथ क्या चल रहा है, अब हम देखेंगे किसके साथ, अल्फा नेप्थॉल के साथ, नोट करें, ठीक है, ठीक है, अब किसके साथ देख लेंगे, अल्फा नेप्थॉल के साथ। ठीक है, रिएक्शन विथ अल्फा नेप्थॉल, तो ये अपना रहेगा अल्फा नेप्थॉल, और क्या ले लेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, वही ऐसे ही लिख देते हैं, पीएच N2 प्लस और सीएल माइनस, और पीएच माइल्ड बेसिक लिख देते हैं, माइल्ड बेसिक मीडियम। ठीक है, तो इसका कहाँ जाएगा, इसका तो पैरा पे ही जाएगा, एज यूजुअल जैसे हम लोग फेनॉल का लेते हैं, तो फेनॉल की तरह आप इसको ट्रीट कर दें। ठीक है, ये रहेगा ओ एच, और ये क्या रहेगा, एन डबल बॉन्ड एन, और यहाँ पे बेंजीन रिंग, और इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज रेड डाई बनेगा, ऑरेंज रेड कलर होगा।
बात समझ में आ रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहे हैं हम, एनसी कपलिंग अभी पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? एनसी कपलिंग, ठीक है। अभी और इसमें टाइप्स मिलेंगे, कॉपी करें, क्लियर। तो अब हम लोग देखेंगे, ये हम लोग किसके साथ देख लिए, फेनॉल के साथ देखें, और साथ ही साथ फेनॉल में जो अल्फा नेप्थोल और बीटा नेप्थोल थे जिसके साथ कपलिंग ये देखने को मिल रहा था, उसके साथ अभी हम देखें, ठीक है। अब हम रिएक्शन देखने वाले हैं किसके साथ, एनिलीन के साथ, ठीक है। और जो एनिलीन के जो डेरिवेटिव थे उनके साथ हम देखने वाले हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि रिएक्शन ऑफ पीएच एन टू सीएल विथ विथ एनिलीन एनिलीन, फिर बाकी तो हम देख ही लेंगे उसका जो डेरिवेटिव है साथ ही साथ कैसा है भाई। तो ये है NH2, ठीक है, ये है NH2, ध्यान से देखेंगे। और रिएक्शन किसके साथ, N, ये पॉजिटिव Cl माइनस, और ये अपना क्या है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, यही है ना, क्लियर है। अब इसका रिएक्शन किसके साथ, इसके साथ, क्योंकि N का जो लोन पेयर है, N का जो लोन पेयर है यही यहाँ पे किस तरीके से काम कर जाएगा, इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल के तरह, ठीक है। और इसका अटैक कहाँ हो जाता है, इस वाले पे, इसका अटैक कहाँ पे हो जाता है, इस वाले पे, जिससे जिससे क्या आपको देखने को मिलेगा, बात समझ में आ रहा है। ये इधर से बेंजीन रिंग, ठीक, ये रहेगा एन, ठीक है, ये रहेगा एच, ये रहेगा एच, और ये क्या हो जाएगा, एन डबल बॉन्ड एन, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या रहेगा, बेंजीन रिंग, और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। और ये वाला मान लेते हैं कि जो इसका सी एल वाला रहेगा वो सी एल माइनस। अब एच प्लस यहां से निकल जाता है इस सी एल के साथ, ठीक है, एच प्लस निकल जाता है इस सी एल के साथ, जिससे क्या हो जाएगा, माइनस एच सी एल, और माइनस एच सी एल पे क्या बन जाएगा, ये बेंजीन रिंग, ये रहेगा यहाँ पे एन एच, ठीक है, एन एच। एक चीज और हम बता देंगे इसमें, एन एच, और ये एन डबल बॉन्ड एन, और ये बेंजीन रिंग, ठीक। अब यहां तक तो बन गया। अब यदि थोड़ा सा यदि हम एसिडिक मीडियम ले लें, थोड़ा सा क्या ले लें, एसिडिक मीडियम, चूंकि इस एन का क्या है, लोन पेयर, तो यदि हम थोड़ा सा क्या ले लें, पीएच, ठीक है, पीएच यहाँ पे क्या, या एसिडिक मीडियम एच प्लस, वही चीज हो गया, यानी पीएच हम ले ले 5 से 6, ठीक है, पीएच 5 से 6, और ये जो पीएच रहेगा वो माइल्ड एसिडिक रहेगा, जैसे माइल्ड बेसिक था ना, वैसे ही क्या लेंगे, माइल्ड माइल्ड, ठीक है, एसिडिक, माइल्ड एसिडिक, ठीक है, माइल्ड एसिडिक, जिससे एच प्लस यहाँ, और एच प्लस यहाँ जाने के बाद क्या बन जाएगा, ये आपका बेंजीन रिंग, ये रहेगा एन एच एच, ठीक है, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्लियर, पॉजिटिव, और ये क्या आ जाएगा, एन डबल बॉन्ड एन, और ये क्या रहेगा, बेंजीन रिंग। अब ये अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए इस बार क्या करेगा, बॉन्ड को तोड़ लेगा, ठीक है, और बॉन्ड को तोड़ने के साथ यहाँ पे क्या आएगा, इस वाले नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, यस पॉजिटिव, और जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो ये क्या कर देगा, बैक बॉन्डिंग, जिससे जिससे आपको देखने को क्या मिलेगा, ये एनिलीन आ जाएगा फिर से NH2, और आपको ये क्या देखने को मिलेगा, ये वाला N, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, बात समझ में आ रहा है। ये फिर से एनिलीन आपको देखने को मिलेगा, और ये वाला बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यानी कि हुआ क्या, स्टार्टिंग में जब ये वाला रिएक्शन आया तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम पीएच को क्या कर दिए, यानी कि NN बॉन्ड को ब्रेक किए हैं, क्या हम तोड़े हैं, एन एन बॉन्ड को हम यहाँ पे ब्रेक किए हैं। तो एन एन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ा अपने को, थोड़ा सा हम लोग माइल्ड एसिडिक मीडियम लिए, प्रोटोनिक मीडियम का रिएक्शन करवा दिए, फिर से ये पार्ट को बाहर कर दिया, और एनिलीन मिल गया, एनिलीन क्या हो गया, मिल गया। अब यहां से ये जो मिला उसका रिएक्शन मिटा दे क्या ऊपर में थोड़ा सा, ठीक है, उसका रिएक्शन, ठीक है, यही है ना, यानी कि है क्या अपने पास NH2, ठीक है, ये अपने पास बेंजीन रिंग, और साथ ही साथ क्या है, एन, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड एन, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये अपना इस तरीके से, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या चला जाएगा भाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे ये यहां भी आ सकता है, अब यहां जैसे ही आएगा ये क्या हो जाएगा, एन डबल बॉन्ड एन, और ये पॉजिटिव, ठीक है, ये ऐसा बन जाएगा, और ये फिर से अपना क्या हो गया, वीक, यस वीक इलेक्ट्रोफाइल, और ये कहाँ अटैक कर देगा, इसके पैरा पोजीशन पे, कहाँ अटैक करेगा, इसके पैरा पे, क्योंकि ये क्या देता है, प्लस एम, क्या देता है, प्लस एम, और जिससे जिससे प्रोडक्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, जिससे प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा NH2, ठीक है, ये आपका बेंजीन रिंग, ठीक है,
बेंजीन रिंग और एन डबल बॉन्ड एन और ये फिर बेंजीन रिंग, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलेंगे, पैरा एमिनो एजो बेंजीन, ठीक है, पैरा एमिनो एजो बेंजीन। और ये कैसा कलर का होगा, ये होता है येलो, येलो डाई, ठीक है, ध्यान में रखना ये क्या होगा, येलो डाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट करें इसको, फिर और बताते हैं, ठीक है। अब एक बात और बता देते हैं कि यहां पे जो हम लोग कपलिंग देखें वो कौन सा कपलिंग था, ये वाला एन एन कपलिंग था, बात समझ में आया, वो तो बाद में हम फिर उसको तोड़े, लेकिन स्टार्टिंग में आपको क्या देखने को मिला, एन एन कपलिंग, क्या देखने को मिला, एन एन कपलिंग। तो इसमें एनिलीन के साथ दो तरीके का कपलिंग, अच्छा लास्ट में क्या हो गया, एनसी कपलिंग लास्ट में क्या हो गया, या हम कहें लास्ट में क्या हो गया, सीएन कपलिंग। तो यहाँ दो तरीके का कपलिंग मिलेगा, पहला कौन सा मिला, एन एन कपलिंग, एन एन कपलिंग जो अभी हम लोग देखे, और फिर बाद में क्या हो गया, एनसी कपलिंग या सीएन कपलिंग भी लिख सकते हैं हम लोग, सीएन कपलिंग, बात समझ में आया, सीएन कपलिंग। तो अभी हम लोग क्या देखें, कौन सा, एनिलीन के साथ, जो कि कौन सा था, पहला वाला जो हम लोग देखे वो कौन सा था, एनएन कपलिंग, फिर जब हम उसको तोड़ दिए तो क्या बन गया, सीएन कपलिंग, ठीक, ध्यान में रहेगा ना, एसिडिक मीडियम में हम लोग किए थे, माइल्ड एसिडिक मीडियम में। अब थोड़ा सा हम लोग और थोड़ा सा इसमें हम लोग वेरिएशन देखते हैं कि यदि ऐसा दिया रहे, ठीक है, एन और ये एमी और ये एमी, एन एमी और एमी, बात समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, और इसका रिएक्शन यदि हम करवा दें किसके साथ, एन एन पॉजिटिव, ठीक है, और ये ऐसा ऐसा कहां पे अटैक होगा, यस पैरा पे, कहां पे अटैक होगा, ये वाला पार्ट कहां जाएगा, पैरा पे, क्लियर है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और क्या आंसर बन जाएगा, आंसर क्या बनेगा, ये आएगा आपका लिखे क्या ऐसा, एन एमई एमई ये ऐसा और ये एन डबल बॉन्ड एन और ये ऐसा ये, और ये कैसा कलर होगा, येलो कलर, सेम कलर का होगा एनिलीन वाला, बात समझ में आया, ठीक है। इसी में यदि हम इसी में हम क्या करें, एमई, ठीक है, एन एमई और ये बेंजीन रिंग ले, ठीक है, और साथ ही साथ हम रिएक्शन करवाएं डबल बॉन्ड एन, थोड़ा सा चेंजेस ले आए हम यहाँ पे, और ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में नीचे में SO3 माइनस और Na प्लस इसको भी रख दे, ठीक है, ये वाला ग्रुप को भी रख दे, तब क्या बन जाएगा, सेम चीज होगा, इसका अटैक कहाँ पे होगा, पैरा पे, जिससे क्या बन जाएगा, ये बनेगा ऐसा, ये रहेगा एन एमी एमी, ठीक है, हम बताना जो आपको चाह रहे हैं वो ऐसा है एन और ये रहेगा ऐसा और ये SO3 माइनस और Na प्लस, और इसी को कहते हैं हम लोग मिथाइल ऑरेंज, बात समझ में आया, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज, और ये किससे बना है, एन एन डाइसब्स्टिट्यूटेड एनिलीन से, बात समझ में आया, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये वाला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जितना भी केस है सारे केसेस को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का, ये पूरा आज का जो क्लास है वो बेसिकली कंप्लीट जो फोकस किए हैं वो किस पे किए हैं, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट और उसके जितने भी वेराइटी के केसेस है उन सभी पर, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, तो नोट करें, फिर आगे हम बताते हैं इसमें और क्या है, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग रेट का देख लेते हैं, रेट, अब जरा सा समझना है कि मान लेते हैं बाकी सब में तो समझ में आ गया, इलेक्ट्रोफाइल यदि यदि हम किसको कांस्टेंट रखेंगे, यदि हम केवल मान लेते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को उसी तरीके से रखते हैं तो किस पे फिर डिपेंड कर जाएगा, जो जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उस चीज पे डिपेंड कर जाएगा, लेकिन लेकिन यदि हम रेट थोड़ा सा देखते हैं किसके बारे में, रेट के बारे में, ठीक, तो ये जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है अपना, ठीक है, पॉजिटिव, और ये अपने पास है, और यहाँ पे यदि कोई ग्रुप वैसा लग जाए जो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और कम कर दे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और यदि कोई कम करने वाला ग्रुप मिल जाएगा तब क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव का मैग्नेट्यूड बढ़ जाएगा, इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगा,
क्लियर, समझ में आ रहा है। जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने वाला मिलेगा उतना ही ज्यादा इसका पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा उतना ही ज्यादा ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा और उतना ही ज्यादा इसका क्या होगा, रेट। क्लियर। अब यदि हम यहां पे लगा दें OCS3, ये क्या देगा, प्लस एम देगा, खतरनाक वाला, इसके पॉजिटिव के मैग्नीट्यूड को कम कर देगा। अब कम कर देगा तो रेट क्या हो जाएगा, रेट ऑटोमेटिकली पूरा कम हो जाएगा। क्लियर। अब किससे कम हो जाएगा, तो भाई ये जो नॉर्मल वाला है उससे तो कम ही होगा। क्लियर है। अब यदि हम कोई क्या लगा दें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, यानी यहां पे यदि एन डबल बॉन्ड एन पॉजिटिव और साथ ही साथ क्या लग जाए, NO2 ग्रुप, क्या लग जाए, NO2 ग्रुप। अब NO2 ग्रुप लगने से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, एन पे जो पॉजिटिव है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, उससे भी खतरनाक वाला कौन सा हो जाएगा, उससे भी खतरनाक वाला यदि एन डबल बॉन्ड एन यहाँ पे पॉजिटिव और यदि यहाँ पे हम क्या लगा दें, NO2, ठीक है, और पैरा पे भी लगा दें NO2, जबरदस्त वाला दोनों पैरा और ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा और इस पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड को पूरा बढ़ाएगा और क्या हो जाएगा, यस बड़े ही आसानी से ये उसके साथ भी हो सकता है रिएक्शन दे दें, ठीक है, जिसके साथ ये रिएक्शन नॉर्मली बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट नहीं दे रहा था। अब इस चीज को कैसे समझेंगे भाई, क्या बोल रहे हैं सर, तो जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, रेट हो गया ये, ठीक है, रेट हो गया। अब जैसे जैसे मान लेते हैं कि ये N, ऐसा लेते हैं OH, ठीक है, या बेंजीन, ऐसा लेते हैं, ये अपने पास बेंजीन है, ठीक है, और यहां पे किसके साथ नहीं दे रहा था, यदि ये OME, हाँ OME, OCS3, ये इसके साथ, ये तो प्लस एम शो करता है, लेकिन यदि हम क्या ले ले, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, यानी कि ले ले एन डबल बॉन्ड एन और ये पॉजिटिव केवल, तो इसके साथ ये रिएक्शन क्या होगा, नहीं देगा। क्यों, क्योंकि ये जितना प्लस एम दे रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग का बढ़ा रहा है, उतना सफिशियंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है इस बेंजीन रिंग का ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करे। क्यों, क्योंकि ये बहुत पुअर इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन अब हम क्या किए कि इसी के इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा दिए, इसी के इलेक्ट्रोफिलिसिटी को जब हम बढ़ा देंगे तब क्या होगा, ये सेम रहेगा, ये क्या रहेगा, OCS3 सेम रहेगा और यहाँ पे केवल हम लिख दें, यहाँ पे केवल हम लिख दें एन डबल बॉन्ड एन और ये पॉजिटिव और साथ ही साथ यहाँ भी NO2 ले ले और यहाँ भी NO2 ले ले, तो ये रिएक्शन एकदम देगा और देगा। बात समझ में आया क्या चल रहा है, अब अपने हिसाब से आप इसका आंसर लिख सकते हैं ना, क्या करेंगे, जस्ट पैरा पे इसको भिड़ा देंगे, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, और किसमें ले लेंगे, वही जैसा आप मीडियम हम लोग देखे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका OCS3, ये रहेगा बेंजीन रिंग, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी ये वाला कहाँ जाएगा, पैरा पे, और यहाँ पे फिर क्या बनेगा, एन डबल बॉन्ड एन और ये बेंजीन रिंग, ठीक है, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2। बात समझ में आया किस तरीके से हो रहा है, इसी में, ठीक है, इसी में यदि हम और थोड़ा देखें, मिटा दें, ठीक, इसी में थोड़ा सा यदि और हम देखें कि यदि ऐसा लिखे मेसिटाइलिन, ठीक है, ये रहे CS3, ये रहे CS3 और ये रहे CS3 और इसका रिएक्शन किसके साथ, किसके साथ, यस इसका रिएक्शन यदि हम करवा दें, ये एन डबल बॉन्ड एन ये पॉजिटिव और ये रहे NO2 और ये रहे NO2, ठीक है, यहाँ भी NO2 यहाँ भी NO2, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं दे रहा है, लेकिन चूंकि हम इसको रिएक्टिव बना दिए हैं, इसके इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा दिए हैं, तब ये आराम से अटैक करेगा कहाँ पे, पैरा पे कर देते हैं, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, अब तो आप लिखना भी सीख गए होंगे आई होप, ऐसे लिख देते हैं थोड़ा सा, ये CS3, ये अपना CS3 और ये CS3, ठीक है, और ये आ जाएगा एन, ठीक है, डबल बॉन्ड एन और ये ऐसा थोड़ा बना देते हैं हम NO2 और ये NO2, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं, बात समझ में आया, तो ये भी हम लोग देख सकते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोले तो सारे केसेस को हम डील करेंगे किसका, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, नोट करें, ठीक है। अब इसी में एक और काफी इंपॉर्टेंट
वो क्या है भाई साहब, तो वो कुछ ऐसा आपको मिलेगा कि हो सकता है कि फेनॉल और ये NH2 दोनों एक साथ दे दे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में, OH के रेस्पेक्ट में ये पैरा भरा हुआ है, ठीक है, पैरा क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है, और NH2 के रेस्पेक्ट में पैरा रेस्ट्रिक्टेड है, तब क्या करेंगे, तो पहला वाला हम लोग क्या ले रहे हैं, ये आपका चीज तो सेम रहेगा, क्या रहेगा, ये पीएच N2Cl, ये पॉजिटिव नेगेटिव, और ये हम लोग क्या ले लेंगे, पीएच ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, पीएच ले लेते हैं 5 to 6, पीएच क्या ले लेंगे 5 to 6, और यहाँ पे पीएच N2+, और ये सीएल, हाँ ठीक है, Cl-, और यहाँ पे पीएच ले लेंगे हम लोग 10 to 12, माइल्ड बेसिक, एसिडिक वाला, एसिडिक वाला याद है आपको किसके साथ हम लोग लिए थे, यस NH2 के साथ, याद है, NN को तोड़ने के लिए फिर लिए थे, तो ध्यान में रखना है कि एसिडिक किसके साथ लिए थे, NH2 वाले के केस में, और बेसिक माइल्ड बेसिक किसके केस में लिए थे, इसके केस में, तो ऊपर एसिडिक है तो इस वाले के केस में हम लोग लिए थे, कैसे बनाने, इस वाले केस में लिए थे, तो पैरा तो भरा हुआ है, मेटा पे जाएगा नहीं, कहां पे जाएगा, ऑर्थो पे, कहां पे जाएगा, ऑर्थो पे, यानी NH2 के रेस्पेक्ट में हम लोग काम करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट आपका ये रहेगा NH2, और यहां पे जुड़ जाएगा ये N डबल बॉन्ड N, और ये बेंजीन रिंग के साथ NH2 के रेस्पेक्ट में, ठीक, अब यहां बेसिक मीडियम लिया, तो बेसिक किसके साथ लेते थे, OH वाले के साथ, फेनोक्साइड आयन बनाता था, याद आ रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में पैरा तो भरा हुआ है, तो ये इसका कहां चला जाएगा, ऑर्थो पे, चूंकि मेटा पे जाएगा नहीं, क्योंकि मेटा पे प्लस एम जो है वो काम करता नहीं है, ठीक, तो ये किसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा, एक तो ये पोजीशन, और नहीं तो ये वाला ले रहे हैं, तो किसके रेस्पेक्ट में होगा, ये NH2 के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और यदि ये हम ले रहे हैं, ठीक है, तो किसके रेस्पेक्ट में होगा, इसके रेस्पेक्ट में, क्लियर, तो उसके रेस्पेक्ट में करेंगे, तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, ये रहेगा OH, ये रहेगा NH2, और ये रहेगा N डबल बॉन्ड N, और फिर ये आ जाएगा आपका बेंजीन रिंग, ये आपका आंसर होगा, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे गोमबर्ग रिएक्शन, एक छोटा सा रिएक्शन है, ठीक है, गोमबर्ग रिएक्शन, बेसिकली ये रिएक्शन जो है ना वो बेंजीन का रिएक्शन है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ, ऐसा लिख देते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl-, और ये ऐसा, ठीक, तो होता क्या है कि ये वाला चीज तो बेंजीन के साथ तो देता नहीं, ठीक, बेंजीन के साथ देता नहीं, अब हम लोग यहाँ क्या किए, हीट, अब हीट करने से याद है क्या हो जाता था, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का N2 और Cl- दोनों बाहर हो जाता था, तो बेसिकली होगा क्या, हीट करने, यदि हम हीट देंगे यहाँ पे, यदि हम क्या दे दे, हीट दे दे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, N2 बाहर हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, N2 न्यूट्रल होकर के बाहर, और यानी कि माइनस तो N2 हो जाएगा, साथ ही साथ Cl, Cl-, ठीक है, अब Cl- इसका जो H रहेगा उसके साथ मिलकर के क्या करा देगा, HCl, क्या बन जाएगा, HCl, यानी माइनस बेसिकली यहां से क्या रहेगा, माइनस Cl भी होगा, Cl-, ठीक, क्या बनेगा, कार्बोकैटायन यहाँ पे बन जाएगा, एक तरह से काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है, वो चीज अलग है, और ये वाला कैटायन किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ, तो यहां से जो H है वो निकल कर कहां चला जाएगा, उस क्लोरीन के पास, किसके पास चला जाएगा, Cl- के पास, ठीक है, अब Cl- के पास चला जाएगा, ठीक, तो जिससे क्या हो जाएगा, माइनस N2 और माइनस HCl, हम ये लिख देते हैं, और जिससे बन जाएगा बाई फेनाइल, क्या बन जाएगा, बाई फेनाइल, बात समझ में आया, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, गोमबर्ग रिएक्शन, हो सकता है याद ना आए तो फिर काम गड़बड़ हो सकता है, नोट कर लें, एक छोटा सा रिवीजन पूरा हम दे देते हैं इस पे, ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं एक चीज जो अभी हम लोग पूरा पढ़े हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में, क्या देखें, तो यही है अपना, यही है ना, हाँ, इसका रिएक्शन हम किसके साथ देख लिए हैं भाई, किसके साथ देखे हैं, तो सबसे पहले किसके साथ ले लेते हैं, फेनॉल के साथ ले लें, ये अपना
फेनॉल के साथ, ठीक है, फेनॉल है, और फेनॉल के साथ हम ले लेते हैं। और साथ ही साथ क्या हुआ था यहाँ पे, पीएच क्या लिए थे, पीएच क्या लिए थे, याद है? यस, पीएच ही आपका बेसिक मीडियम हो गया था, यानी कि 11 to 10 to 12, 10 to 12, तो जिससे बना क्या था, OH, और ये बेंजीन रिंग एन डबल बॉन्ड एन, ठीक है, और ये बेंजीन रिंग पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, यही बना था ना। और ये कैसा कलर का डाई था, ऑरेंज, ऑरेंज डाई ये बना था, ठीक है। इसी में हम क्या ले लेंगे, एनिलीन NH2, ठीक है, इसके साथ हम रिएक्शन करवाए थे। पीएच क्या रखे थे, पीएच रखे थे 5 to 6, 5 to 6 क्या बन गया था, NH2, ठीक है, ये एन डबल बॉन्ड एन, और ये कैसा था, येलो, येलो डाई था, ठीक है, याद आ रहा है? उसके बाद रिएक्शन हम किसके साथ ले लें, ये OH बीटा नेप्थॉल, ठीक है, बीटा नेप्थॉल, ये भी किसमें था, माइल्ड, यस माइल्ड बेसिक मीडियम में, माइल्ड बेसिक, और माइल्ड बेसिक के साथ ये कहां पे जुड़ा था, अल्फा पे, याद है? हाँ, तो ये क्या बन गया था, ऐसा प्रोडक्ट आया था। इसी का रिएक्शन अल्फा वाले के साथ यदि हम ले लेते थे तो क्या बन गया था, ये तो डायरेक्ट जाके कहां पे जुड़ा था, माइल्ड बेसिक, ये भी था माइल्ड बेसिक, ठीक है, कहां जाके जुड़ गया था, डायरेक्ट जा करके पैरा पे, ठीक है, याद आ रहा है? वेरी गुड, यहां जाके जुड़ गया था, ठीक है। इसी में थोड़ा सा यदि और हम, अभी तो हम बाकी जो पुराना वाला है, एनिलीन वाला है, वो तो पढ़ चुके हैं, ठीक है, पुराना थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ किए थे, याद है, CuCl और साथ ही साथ HCl, ठीक है, क्या बन गया था, क्या बन गया था, ये Cl बन गया था, ठीक है, इसका रिएक्शन CuBr और HBr, ठीक है, क्या बन गया था, यहाँ पे बी आर बन गया था, याद आ रहा है? इसका रिएक्शन किसके साथ, CuCn, क्या बन गया था, CN बन गया था, और ये क्या कहलाया था, ये तीनों आपका क्या कहलाया था, सेंडमेयर रिएक्शन, यही कहला था ना, सेंडमेयर रिएक्शन बोले थे, याद रखने, ठीक, ये तीनों का तीनों क्या कहलाया था, सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन, ठीक। अब इसी में आगे हम लोग क्या देखे थे, इसका रिएक्शन किसके साथ करवा दे, यदि के सी एन भी ले, प्रोडक्ट वही बनेगा लेकिन वो सैंडमेयर नहीं कहलाएगा, कॉपर पाउडर, और क्या ले ले हम लोग, एच सी एल ले ले, कॉपर पाउडर तो क्या बनेगा, सी एल, और साथ ही साथ ये क्या बनेगा, बेंजीन रिंग, यदि यहाँ पे कॉपर पाउडर और साथ ही साथ एच बी आर ले ले, ठीक है, क्या बन जाएगा, ये बी आर, और ये आपका इस प्रकार से, और ये कहलाएगा गैटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन पढ़े थे ना, गैटरमैन रिएक्शन, ठीक है। अब थोड़ा सा और हम कर सकते हैं इसी में, ठीक है, इसका रिएक्शन इसके साथ हो गया, यदि हम ले लेते हैं किसके साथ, NaBF4-, तो ये क्या बन गया था, फ्लोरोबेंजीन, याद आ रहा है, याद आ रहा है? हाँ, उसके बाद इसका रिएक्शन हम किसके साथ करवा दें, फ्लोरोबेंजीन के साथ हो गया, इसके साथ भी हो गया, और हम चाहें तो इसका रिएक्शन हम करवा दे CH3CH, और ये OH, याद है, हाइड्राइड देता था, स्पेशल नोट करके लिखवाए हैं, हाइड्राइड देता था, और ये क्या बना देता था, बेंजीन आपका, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन बना देता था, और इसी का रिएक्शन, ठीक है, यदि हम करवा दे H2O के साथ तो ये क्या बन जाएगा, फेनॉल, क्या बन जाएगा, फेनॉल, ठीक है। और यहाँ एक और था हाइड्राइड वाला, तो देखिएगा नोटबुक में, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी खास करके, क्लियर है? तो ये छोटा सा आपका रिविजन टाइप बता दिए, जो पूरा हम लोग बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट पर पढ़े हैं, ठीक। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि पूरा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के जितने भी वेरिएशंस हो सकते थे सारे हम आपको बताए हैं, चाहे वो जेई और नीट के लिए जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, सारा हम एक जगह ला करके आपका रखें, एक शॉर्ट रिविजन भी एक छोटा सा हम आपको दे दिए, जो आज थोड़ा बहुत जो पढ़े हैं, और जो कल के लेक्चर में थोड़ा बहुत जो हम लोग जाने थे देखे थे,
अगले सेशन में फिर से हम लोग मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच।